दिल्ली के मधुविहार थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश कुमार ने अपने ही थाने के SHO ओम प्रकाश पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। दिनेश कुमार का कहना है कि ड्यूटी के दौरान नींद आ जाने पर SHO ने उसे राइफल से जमकर पीटा। इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कांस्टेबल और SHO को लाइन हाजिर कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में फरार हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा आज सरेंडर कर सकते हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर छापा मारा। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों और संबंधियों से पूछताछ भी की, लेकिन कांडा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट में नूपुर तलवार की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में जेल में बंद नूपुर की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई को खारिज कर दी थी। नूपुर ने 30 अप्रैल को गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था, तब से वो जेल में है। शत्रुघ्न सिन्हा करीब एक महीने बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। मुंबई के कोकिलाबेल अस्पताल में शत्रुघ्न सिन्हा के हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी। अस्पताल से निकलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सबका धन्यवाद दिया। मुंबई के आजाद मैदान में हुई हिंसा के 23 आरोपियों को 19 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं इस हिंसा के दौरान पुलिस के 2 SLR, 1 पिस्टल और 131 राउंड गोलियों के गायब होने की बात सामने आई है। खुफिया विभाग खोए हुए हथियारों की जांच में जुट गया है।